हाई ग्लॉस का मतलब होता है कि बाद में सूखने के बाद ये चमकेगा, थोड़ा मतलब लाइट देगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएसआर पेंटिंग्स। तो आज हम करेंगे वैरनिश। ओके। और ये हमारे पास ब्रूस्टो का प्रोफेशनल हाई ग्लॉस वैरनिश है, और एक और वैरनिश है ग्रैनोटोन का हाई ग्लॉस एक्रेलिक वैरनिश, लेकिन मैं करूंगा आज ब्रूस्टो से। चलिए अब शुरू करते हैं। तो बता दूं पहले आपको कि कभी भी वैरनिश को अप्लाई करने से पहले डिब्बे में ही पहले उसे सेक अच्छे से कर लेना चाहिए। देख सकते हैं मैं किस तरीके से उसे सेक कर रहा हूँ। मिला लेना चाहिए कि वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए। उसके बाद आप कोई भी यूटेंसिल्स में या कोई भी मतलब जैसे कि देख सकते हैं ये कटोरी है, इसी में मैं वैरनिश निकाल ले रहा हूँ और अप्लाई करूँगा। तो बता दूँ कि इस वैरनिश से मैं चाहूँ तो पानी मतलब मिक्स करके अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं अभी इस पर डायरेक्ट अप्लाई करूँगा। आप चाहें तो हल्का पानी मिक्स करके कर सकते हैं। और वैरनिश का ब्रश हमेशा क्लीन रहना चाहिए। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो इसलिए वैरनिश का ब्रश आपको अलग रखे, क्योंकि मैं हर बार इसी ब्रश से वैरनिश करता हूँ। बस वैरनिश करता हूँ, इससे पेंट नहीं करता हूँ। वैरनिश करने के बाद धो के उसे रख देता हूँ। तो ब्रश सही रखने के लिए आपको ब्रश क्लीन करके रखना होगा, और इससे कुछ और काम नहीं करना होगा। तो ये पेंटिंग 2x3 फीट का है। ज़्यादा अगर एक ही जगह ब्रश बार बार कीजिएगा या अलग अलग डायरेक्शन में एक ही जगह कीजिएगा, तो उससे हो क्या सकता है कि स्मज मतलब यहाँ पे थोड़ा फॉगी इफेक्ट आ जाएगा, फिर वो सूखने के बाद भी वैसा रहेगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल वे में अगर अप्लाई कीजिएगा, एक ही जगह पे ज़्यादा टाइम नहीं अप्लाई कीजिएगा, नॉर्मल अप्लाई कीजिएगा, तो वो बाद में फिर सूख जाएगा और फिर एक ग्लॉस इफेक्ट आएगा। तो बता दें हाई ग्लॉस का मतलब होता है कि बाद में सूखने के बाद ये चमकेगा, थोड़ा मतलब लाइट देगा। दो तरह के वैरनिश आते हैं, एक मैट वैरनिश आता है, ग्लॉस वैरनिश। अगर वही मैट वैरनिश मैं करूँगा तो बिल्कुल ड्राई दिखेगा और लाइट इस पर से कम हो जाएगा, लाइट थोड़ा कम दिखेगा। और इससे वैरनिश करने के बाद, ग्लॉस वैरनिश करने के बाद लाइट बढ़ जाएगा इसका। क्या बात है। और वैरनिश हमें इसलिए करना चाहिए कि पेंटिंग इससे ज्यादा प्रोटेक्ट रहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं ये एक्रेलिक पेंटिंग पे अप्लाई कर रहा हूँ। वैरनिश हो चुका है और देख सकते हैं कि अभी ये सूखा नहीं है। सूखने के बाद ये जो फॉगी इफेक्ट है वो चला जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।